तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका बच्चे को और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं भाई कि हमारी जो बिस्लरी की एक लीटर की बोतल आती है तो इसमें पूरा एक लीटर पानी आता है या फिर उससे ज़्यादा आता है। और हम इसमें ये देखने वाले हैं कि हमारी इस बोतल में एक लीटर पेट्रोल आएगा या फिर उससे ज़्यादा आएगा। और हम ये किस चीज़ से टेस्ट करने वाले हैं आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये हमारी बोनी की बोतल है तो इसमें भाई एक्यूरेट मात्रा होती है। तो 250 ml हम जो है पेट्रोल इसमें डालेंगे चार बार। अगर 250 ml चार बार में ये बोतल फुल हो जाती है तो इसमें एक लीटर तेल आता है। और अगर फुल नहीं होती है तो भाई उससे कम तेल आए। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसे। और आपने भाई अभी तक ये ऐसी वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, आज हम ये पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो भाई मैं अपनी बाइक में से चार बार तेल निकालूंगा 250 ml, ठीक है। तो भाई आप यहां पर देख सकते हैं 250 ml जो है आ चुका है इसमें। तो अब हम इसे बोतल में कर लेते हैं। तो भाई 250 ml जो है हमारी बोतल में हो चुका है। और इसके बाद जो है इसमें ढकना लगा देते हैं क्योंकि नहीं तो पेट्रोल उड़ जाएगा, ठीक है। बंद करके रख देते हैं। अब भाई फिर से दोबारा निकालते हैं इसमें 250 ml। तो भाई मैंने अब दूसरी बोतल भर ली है और इसमें भी 250 ml पेट्रोल है तो हम इसे भी बोतल में डाल लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। तो यहाँ पे मैं बोतल का ढक्कन खोल लेता हूँ और इसी में डाल लेते हैं ये, ठीक है। तो भाई अब हमारी इस बोतल में आधा लीटर पेट्रोल आ चुका है, ठीक है। तो इसे अब ढक्कन लगा कर रख देते हैं, तीसरी बोतल भरते हैं 250 ml की। तो भाई हमारी तीसरी बोतल भी भर चुकी है और अब हमारी बोतल में 750 ml पेट्रोल हो जाएगा। तो फटाफट से इसे बोतल में कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ढक्कन ओपन कर लेता हूँ इसका। तो अब हम इसे बोतल में कर लेते हैं। तो भाई हमारी बिस्लरी की बोतल में इस समय 750 ml पेट्रोल आ चुका है। ये देखो भाई, देख रहे हो, 750 ml पेट्रोल आ चुका है और अभी इतनी हुई है हमारी, ठीक है। तो इसमें अब 250 ml और डालते हैं, फिर देखते हैं एक लीटर आता है या फिर उससे कम आता है। तो भाई यहाँ पे हम चौथी बोतल भरने जा रहे हैं और लास्ट बोतल है ये, तो फटाफट से इसे भर लेते हैं। Suddenly, a poison in the air I breathe. But if you don't hate me,
तो भाई यहाँ पे हमारी बोतल में इस समय लगभग 100 ml पेट्रोल आ चुका है और अभी 150 ml पेट्रोल बाकी है। तो अब जो लास्ट बोतल डालेंगे और फिर देखते हैं भाई कम आता है या फिर उससे ज़्यादा आता है पेट्रोल। तो भाई यहाँ पे हमारी चौथी बोतल भी भर गई है, आप देख सकते हैं 250 ml पेट्रोल इसमें भी आ गया। ठीक है, तो ये लास्ट बोतल है हमारी, तो अब इसे भाई देखते हैं डालकर बिस्लरी की बोतल हमारी फुल होती है या नहीं। तो हम इसे भी फटाफट से इसमें फिल कर लेते हैं। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बोतल खाली हो चुकी है और इसमें आप ये देखिए। तो भाई मैंने चौथी बोतल भी बिस्लेरी की बोतल के अंदर डाल दी है, तो हमारी बोतल में पूरा 1 लीटर पेट्रोल है। अब हम ये देखेंगे भाई कि जो हम जब पानी की बोतल लेते हैं ना, तो ये हमारी पूरी बोतल भरी ही होती है, तो भाई उस समय इसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी होता है। ये देखो मैंने इसमें पूरा 1 लीटर तेल डाला है नाप के, ये देखो तो ये इतनी आई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो लोग समझते हैं भाई पेट्रोल पंप वाले स्कैम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप 1 लीटर तेल लेंगे तो आपका इतना तेल आएगा, तो तेल आपका कम इसीलिए आता है क्योंकि इसमें 1 लीटर से कुछ बढ़ती तेल आता है, लगभग 50 ग्राम बढ़ती तेल आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहती है।